अच्छा गोटे कथा कहिलो, तुम्हें कौन प्रजापति को निज शत्रु भावुच? ना माता। नंदे, नंदे, नंदे। इच्छा न होबार कौनसी तो कारण रही थी। ना तमे भी सतीं को परी पिता द्रोही हो जाइछ। केवल परिवार दृष्टि रे नुहे, चंद्रमा को ये अपराध संपूर्ण समाज विरुद्ध रे। सेथिपाई कौनसी भी निर्णय परिवार रो सम्मुख रे नबा उचित नुहे, पूर्ण सभारे करिबा उचित। चंद्रमा, तमे रेवती को पत्नीर अधिकार न दे निजर उत्तर दायित्व और विवाहर मर्यादा को उल्लंघन करिछ। मो प्रजापति दक्ष तुमको ये आदेश देउछि जे तुमको रेवती को पत्नीर स्थान दबा को पड़िब। आउ रेवती को प्रेम भी करिबा को पड़िबो। क्षमा करिबे प्रजापति, ए संसार हुए तो आपण को आदेश अधीन रे थिबो, किंतु प्रेम नुहे। जदि हेइथंता तबे सती मनरु आपण शिव को बाहर करिबारे अवश्य सफल होइथंती। सतींकर विद्रोह रे बहुत अधिक प्रेरित होइछ तमे, अन्यथा प्रजापति दक्षंक सम्मुखरे एपरी तर्क करिबार साहस करिनथंती। ता पूर्वरु विद्रोहर अग्नि संपूर्ण समाज रे खेली जाउ। मु एबे आउ एई समय रे तार अंत करिबी। मु तमको एपरी दंड देबी जदि कहारी मनरे विद्रोहर विचार भी आसे, तेबे परिणाम कथा भाबी थरी उठिबे। इच्छा विरुद्ध रे प्रेम करिबा ताठारो बड़ दंड आउ किछि नहि प्रजापति। प्रजापति थरे विचार कर देखु। प्रजापति मु चंद्रमा को बुझेबी, आपण कृपा करी थरे विचार तो करंतु। पिताश्री यांकु दंड दियंतुनी। पिताश्री हाँ पिताश्री, दंड देले मते तो तांको प्रेम मिली जीवना ही, तबे काहे की
ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିନତି କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବାସ୍, ଏବେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇ ସାରିଛି। ନିଜର ବିବାହିତାକୁ ପତ୍ନୀର ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇକି ତମେ ଘୋର ଅପରାଧ କରିଛ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ତମକୁ କ୍ଷୟ ହେବାର ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। स्वामी चंद्रमा अवश्य किसी मत लगुच से विपद से पड़ जा नारायण 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 प्रणाम प्रभु महादेव प्रजापति को छाड़ी दे कि परिणाम है देखिले आपण प्रभु आपण जगत पिता आउ से कारण आपणकर एकाकीपण आपणकर उदासीनता संसार पाई प्रकृति पाई भल नुहे प्रभु आपण को किछ करिबाकु हबो प्रभु आपण को ही किछ करिबाकु हबो महादेव महामंडल सभार आपणकर अपमान करागला अभिशाप दे आपणक पूजार्चना करिवार अधिकार छड़े निगला सत्य आपणक मध्य दक्ष रेखा टणा गला परंतु आपण किछि करिले नाही प्रभु आपण किछि करिले नाही क्षमा करिबे प्रभु परंतु आपणकर एही मौनतार परिणाम ही दक्षंकर अहंकार जदि तांको बाधा न दिया जाए तबे संसारर विनाश निश्चित प्रभु किछि करंतु प्रभु किछि करंतु चंद्रमांकु क्षय हेबार अभिशाप देबा एइटा बि एइ श्रृंखलार एक स्तर प्रभु चंद्रमांक अभावरते सृष्टिर संतुलन नष्ट होइजिबो महादेव आपणकु किछि करिबाकु हबो प्रभु आपणकु करिबाकु हबो किछि करंतु प्रजापति ए पर्यंत जहां किछि करिछंति मु किछि भी कहिनी कारण मो पई तांकर कोनोसी महत्व ही नथिला तांको दायित्व निर्वाह रे आज पर्यंत मो हस्तक्षेप करिनी आउ ना तांकर कोनोसी निर्णय को विरोध करिछि
किंतु प्रकृति आ सृष्टि रो क्षति करबा प्रजापति को निज दायित्व रो विरुद्ध रे आ जेबे के ही निज दायित्व रो विरुद्ध रे जाई निज अहंकार को सब्यस्त करंती तांकर विनाश अनिवार्य दक्षंकर संहार अनिवार्य ए सृष्टि रो संतुलन रक्षा करबा निमन्ते प्रजापति दक्षंकर संहार अनिवार्य देवर्षी देवर्षी किसी करंतु बाधा दियंतु तांकु बाधा दियंतु महादेव ए रूप धारण करिवार अर्थ आपण आउ मु भलो भाबरे जानिचु प्रलय आसी जीवा पूर्वरु किसी करंतु देवर्षी बाधा दियंतु तांकु बाधा दियंतु ना नंदी महादेवंकर ए रूप को बाधा देबा असंभव देवर्षी कोनोसी तो उपाय थिबो केवल गोटी उपाय अछि नंदी जदि संहार को केहि बाधा दे पारंती तेबे सी होचंती केवल भगवान विष्णु मु अभिलंबे भगवान विष्णु का पाखो को जाउची नारायण 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 प्रणाम भगवान प्रणाम माता प्रभु संसार रे एमिति केउ समस्या अछि जहार समाधान आपणक पाखरे नाही आपण तो सर्वज्ञानी आपणक लीला तो अनंत आपण तो सर्वज्ञ आपण तो संसार रा पालनकर्ता एवं संरक्षक मध्य प्रभु प्रलय हेबा को जाउची आउ आपण किछि भी करू नहंती एहा केपरि संभव एपरि संकट परिस्थिति रे मध्य आपण हसुचंती लागुची आपण को उपाय मिलि सारिची जदि मु आउ ब्रह्मा मिसी शिवंकु पूजा करिबु तेबे शिवंक क्रोध शांत हेइ पारे परंतु एही उपाय पूर्ण नुहे असंपूर्ण की परी तुमे भूली जाउछ दक्षंक अभिशाप कारणरु शिवंक पूजा करा जाई परिबनी तेबे प्रभु आपण भी कोन प्रलय को बाधा देबारे असमर्थ सेई परी ही तो लागुछि भावंतु प्रभु देवी सती आपणको अर्धांगिनी आपणकर एही क्रोधर प्रभाव तांक उपरे भी तो पड़िब ना प्रभु शांत होइ जांतु हे प्रभु शांत होइ जांतु अघटन घटा तो एक जानी पिताश्री चंद्रमा सहित कौन करी चंदी
ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରି ମୁଁ ଜୀବିତ ରହିପାରିବି, ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ଏ ଦଶା ମୁଁ କରିଛି? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରରେ ସିଏ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରର ମିଳିଛି। ମୋ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଇ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଚନ୍ଦ୍ରମା କଣ ହେଇଛି ପୁତ୍ର? ଉଠ ଉଠ ପୁତ୍ର, ଉଠ। କାହିଁକି ପ୍ରଜାପତି, କାହିଁକି ଦେଲେ ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷୟ ହେବାର ଅଭିଶାପ ଆପଣ? ଜଣେ ମାତା ଠାରୁ ତାର ସନ୍ତାନ ଛଡେଇ ନବାର ମହାପାପ କରନ୍ତିନି ପ୍ରଜାପତି। ସିଏ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାର ଦଣ୍ଡ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପ ଫେରାଇ ଆଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ସଂସାର ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସଂସାରର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି, ନିଜର ଅହଙ୍କାରରେ ସଂସାରର ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ସଂସାରର ସନ୍ତୁଳନ ସଜାଡ଼ି ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ସଂସାରର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାରର ବିନାଶ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର କହନ୍ତି, ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ତାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଇ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ କେହି ବି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବେ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଏହିପରି ଯେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ଏହି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଜନୀନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଁ,
जदि आमे तांको पाखकु जाई एई महामृत्युंजय मंत्र को प्राप्त करिनबा तेबे चंद्रमांक अकाल मृत्यु को रोका जाई परिबो। सब किछि ठीक अछि ना, मते बहुत व्याकुल लागुछि। काहे कि तुमको शांति मिलिलानि, आउ केते क्षति पहुँचैबो निज परिवारर मान सम्मान को, आहुरि केते दुख दबो सेमानंकु जिए तुमको आजीवन प्रेम करिछन्ति। चंद्रमांकर तो प्राण नै सारिछ, एबे आउ कहा कहार प्राण नब तुमे? कौन ये आपण कौन कहउचंती? मु सत्य कहउची, तुमर नीलजता आउ दुस्साहसरी प्रेरित होई चंद्रमा प्रजापति को आदेश को अमान्य कले, ताले प्रजापति कौन करी थांते? तांकु तो दंड देबार होई थिला ना। मोर तो तुम उपरे बहुत गर्व थिला सती, किंतु आजी तुम पाई लज्जित मु, इत्ती जन को दुख दे थीबा सेई पुत्री रो अभागिनी माता मु। ना माता, एपरी कहंतुनी, माता माता मो सहित कथा होंतु, माता मो कथा तो सुनंतु, मो सहित कथा होंतु, मो सहित कथा होंतु। जानतु सती ए दक्ष रेखा को पार न करके प्रति मुहूर्त रे चलुथिबो, परंतु आपण को केबे भी डाकिबनी। मु जानी छे, मु आपण को कहिथिली जे मु आपण को केबे भी डाकिबिनी, परंतु एथर मो पई नुह चंद्रमांग प्राण रक्षा करबा को आसंतु। चंद्रमा प्राण आसंतु। जदि आपण प्रजापति दक्ष को या पूर्व विरोध करिथांते एपरि हेइ न थांता। नारद, ए समय आरोपर नुहे, समाधान खोजिबार समय। परंतु समाधान मार्ग दक्ष बंद कर शिव को अभिशाप दे पूजार्चन वंचित कर। आउ शिवं क्रोध से ही शांत हेबो जेते बेले आपण आउ भगवान विष्णु मिसी तांकर पूजा करिबे। एबे आपण ही कहंतु यहा किपरि संभव? संभव अटे। जेते बेले दक्ष शिवं अभिशाप देले सेते बेले शिव सती भिन्न थिले, अर्थात शिवंकर एक भाग को अभिशाप मिली। शिवंक द्वितीय शरीर अर्थात सती एबे भी अभिशाप मुक्त। जदि आम सती पूजा करिबा तेबे शिवंक क्रोध अवश्य शांत हो पारिबो। आउ संभव हो पारे सीए आमको चंद्रमांक मुक्तिर उपाय कही पारिबे। परंतु प्रभु, सतींकर पूजा किपरि संभव? सीए तो स्वयं दक्षंक रेखारे बंदी होई अछन्ति। नारायण, एई संकट समय रे सतींकु दक्ष रेखारु किपरि बाहर करि हेबो,
ये तो आपण ही कही पारिबे। प्रभु संसारर पालन एवं संरक्षणर उत्तर दायित्व तो आपणंकर, किंतु से उत्तर दायित्व को संपूर्ण करिबा पई सतीकर दक्ष रेखा को पारी करिबा अनिवार्य। आपण ही आकु संभव करि पारिबे प्रभु। दक्ष मोर बहुत बड़ भक्त, आउ शिव एवं दक्ष युद्ध में मु केवल शिव सपक्ष रेबी दक्ष नुहे, एपरी किपरी हेई पारिबो। नाही, मु केवल दक्ष सपक्ष रे हेबी। मु तांकु कहिबी एई युद्ध रे जितिबार उपाय। प्रभु आपण आपणक दर्शन दे मते कृतार्थ करिले। ये कौन कल तुमे दक्ष चंद्रमा को अभिशाप दल? भूली गल जे ब्रह्मा तुमको संसार को संतुलन कर रखिबा पई शक्ति देथिले, संतुलन नष्ट करिबाकु नहि, परंतु ई अभिशाप को फेरी आनिबा पई मो हातरे तो नाही प्रभु। तुम भूल को सुधारिबा पई तो मते एठाकु आसिबाकु पड़िला दक्ष। तुमे जे मोर सबुठारु बड़ भक्त, तुमे एहा भूलिबा उचित नथिला जे चंद्रमा कौनसे सामान्य नुहंती, से नवग्रह मध्यरु अन्यतम। चंद्रमा न रहिबा हेतु संसारर चक्र भांगी जाई पारे। जदि अभिशाप फेराई न पारिब तेबे तुमको चंद्रमांक अनुपस्थिति को पूर्ण करिबाकु हेब। चंद्रमांक पूर्ण मृत्यु पूर्वरु तांक स्थान रे एक नूतन ग्रह स्थापन करिबाकु हेब। जदि एपरि हेई पारे तेबे संसारर संतुलन भी नष्ट हेबो नाही, आउ तुम प्रतिष्ठा मध्य सेमिति ही रहिब। आउ भक्तर प्रतिष्ठा रे ही तो भगवान को प्रतिष्ठा। तुमे बुझी पारुछ ना दक्ष, एहा हेउछि मो प्रतिष्ठार प्रश्न। मोर संपूर्ण विश्वास अछि प्रभु जे आपण मोर हात केबि भी छाड़िबेनि, परंतु प्रभु मु ए नूतन ग्रह सृष्टि करिबि केमिति? मो तुमको कहुछि ध्यान देई सुनो। मु तो सुनिथिली आपण एक बेलपत्र द्वारा भी आकर्षित हो जानती, केही संकट रे थिबे कहारी सहित अन्याय हो तेबे आपण आसंती, परंतु आज आज विलंब कहीं आज मु मो निज पाई नुह चंद्रमा डाकुची प्राणर रक्षा करने डाकुची निज भगिनी मान सुहाग को रक्षा करने डाकुची। आसंतु महादेव। Thank you.
स्वामी आपण ये कौन करुछंती स्वामी सैनिक स्वामी आपण सती को पुनः दंड दबा को जाउछंती ए सैनिक तुमको सरस्वती नदी को नहीं जिबे तुमको मोर एक अनुष्ठान पाई सेठिकार माटी आनिबाकु पड़िबे प्रजापति दक्ष जदि नष्ट करिबा जानिछंती तेबे नष्ट को सजाड़ शक्ति भी रखि थांती मु एक नूतन ग्रह सृष्टि करिबी जे चंद्रमा को अनुपस्थिति को पूर्ण करिबो नूतन ग्रह चंद्रमा को स्थान रे भगवान विष्णु स्वयं मते आदेश देइछंती सर्वप्रथमे भल कुलर बत्तीस गुण रही नारी द्वारा सरस्वती नदी माटी आनिबा को पड़ से माटी रे प्रतिमा प्रस्तुत करी ताको नूतन नाम दबा को पड़े ताको प्राण प्रतिष्ठार पूजा करने को पड़े जमी धीरे धीरे चंद्रमा क्षय होबा को लगे मोर नूतन ग्रह सृष्टि हेबो चंद्रमा शेष हेले सीए तांको स्थान नहीं नब बत्तीस गुण थिबा केवल जणे ही नारी अछंती औ सीए होउछंती सती केवल सती नूतन ग्रह स्थापित करी आपण संसार रे पुनः संतुलन तो सजाड़ी देबे प्रजापति दायित्व भी रक्षा करिबे किंतु जणे पिता निज दुई पुत्री सुहाग किपरी फेराई पारिबे किपरी प्रजापति किपरी समस्ते जानते ऋषि मार्कंड जे आपण महादेव के प्रिय भक्त आपण तपस्या तो प्रसन्न हो महादेव स्वयं आपण प्राण रक्षा करने आसी जमराजा सह युद्ध करने को महादेव आशीर्वाद रु आप मृत्यु पर विजय प्राप्त हेले आज से महामृत्युंजय मंत्र ने आसीचु
দক্ষ প্রজাপতি দক্ষ যে মহাদেবঙ্কু অভিশাপ দেইছন্তি অপমানিত করিছন্তি আজি তাঙ্করি জামাতাঙ্কু বঞ্চেইবা পাই শিবঙ্কু মন্ত্রর আবশ্যকতা পড়িছে। প্রজাপতি দক্ষঙ্ক জামাতা চন্দ্রমা কাহার পুত্র মধ্যে সেই ঋষি মার্কণ্ড? এবে কেবল আপন হি এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রকু সর্বজনীন করি চন্দ্রমাঙ্ক প্রাণ ফেরাই আনিবারে সহযোগ করিপারিবে। নিজ সন্তানর বিবশ হয়ে মৃত্যু দেখিবা কৌণসি মাতা পিতা পাই কেতে দুঃখ দেই থাকে কি আপন বুঝিপারুথিবে ঋষি মার্কণ্ড? সেথিপাই মু আপনকু প্রার্থনা করুছি মতে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র দেই দিয়ন্তু। মোর মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র দবারে কোনোসি আপত্তি নাই, যদি শিব অভিশপ্ত হই নথান্তে, যদি তাঙ্কর পূজা হই পারিবনি, তেবে মন্ত্র নেই করিবে কোন? কোনোসি লাভ হেব নাহি। কোনোসি লাভ হেব নাহি। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র প্রাপ্ত করি চন্দ্রমাঙ্কু বঞ্চাইবা এবে কোনোসি লাভ হেব নাহি। প্রজাপতি দক্ষ চন্দ্রমাঙ্কু ক্ষয় হেবার অভিশাপ দেইছন্তি। আউ সেথিরে ক্রোধিত হই মহাদেব নিজর রুদ্র রূপকু আসিসারিছন্তি। তাঙ্ক আকার ব্রহ্মাণ্ড পরি বিস্তার হেবারে লাগিছি। জ্বালামুখী বিস্ফোরণ হেউছি। সমুদ্র বায়ু সমস্তে সীমা লঙ্ঘুছন্তি। এবে প্রলয় অনিবার্য। প্রজাপতি দক্ষ কেবল চন্দ্রমাঙ্কু নুহন্তি, সম্পূর্ণ সংসারকু প্রলয় মুখরে আনি উপস্থিত করাইছন্তি। আপন মানে চন্দ্রমাঙ্কু নেই প্রভাস ক্ষেত্রকু চালি যান্তু। সে দক্ষঙ্ক ক্ষেত্ররু বাহারি গলে সেটি তাঙ্কর অভিশাপর প্রভাব বি ধীর গতিরে হব। আউ যদি সংযোগরে শিব অভিশাপ মুক্ত হুন্তি, আমি সেখানে পৌঁছি যাব। ক্ষমা করিবে দেবী, পরন্তু মু প্রজাপতি দক্ষঙ্ক আদেশ পালন করুছি। প্রজাপতি চাহুছন্তি যে আপন
ଆପଣ ଏହି ପାତ୍ରରେ ନଦୀର ମାଟି ନେଇକି ଆସିବେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏବେ ତୁମ ଲୀଳା ହିଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଏ ପ୍ରଳୟରୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ଏମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଦେବର୍ଷି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଉତ୍ତମ ଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? देवी, एई मात्र तो आपण जाईथिले, एते अल्प समय मध्यरे माटी नेई कि चली आसिले। चालंतु, पिताश्री प्रतीक्षा करिथिबे। हे माता लक्ष्मी, आपणको लीला भी देखिली मु। नारायण 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 नारायण। अरे, सैनिक मने कुआडे चली गले? हे प्रभु, प्रभु आपणंक लीला अनंत अनंत, आपणंक पाई केछि भी असंभव नुहे।